प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन पढ़ाई को सहर्ष के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ाई है ये आपको क्लास की तरह अच्छी प्रस्तुत की जा रही है आपके पास, इसलिए आप इसी वीडियो के माध्यम से इस पढ़ाई को आप अच्छी तरह अर्जित करें। आज जो अपना वीडियो के माध्यम से जो मैटर है वो है लिट लकार। लिट लकार से तात्पर्य है भविष्यकाल, अर्थात जो समय आएगा, अतः आने वाला समय भविष्यकाल होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। इन धातुओं में धातु रूप जब बनाए जाते हैं तो कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ये आप ध्यान दें। धातु रूप बनाने के प्रत्यय धातु रूप बनाने के प्रत्यय, जैसे यहाँ पर पुरुष लिख दिया अपन ने, हाँ पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष का एकवचन का जो प्रत्यय है वो है ईषति। क्या है? ईषति। द्विवचन है वो है ईषत है और बहुवचन है ईशंति। प्रथम पुरुष का एकवचन हो गया ईषति, ईषत है, ईशंति। मध्यम पुरुष का एकवचन हुआ ईशसि, ईषत है और ईषत। उत्तम पुरुष का एकवचन बना ईश्यामी, ईश्याव है, ईश्याम है, ये बना। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रथम पुरुष का एकवचन ईशति, ईशत है, ईशंति। मध्यम पुरुष का है ईशसि, ईशत है, ईशत। और उत्तम पुरुष के हैं ईश्यामी, ईश्याव, ईश्याम। लट लकार में जो थी वो अति अत अंति असि अथ अथ आमी आव आम है। लंग लकार में जो थे अत अतामन अह अतमत अम आव आम। इसी प्रकार से लट लकार में ये हैं धातु रूप। जैसे अपन किसी धातु, जैसे पट धातु है, पट, पट का मतलब होता है पढ़ना। इसके रूप अपन बनाएं, धातु रूप बनाएं, धातु रूप तो इसमें बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुरुष, तो पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष का एकवचन बनेगा इसमें, जैसे पट में ईषति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पै ठी शै यति, ये बना। फिर द्विवचन बनेगा पै ठी शै यतः, इनको जोड़ देंगे भाई, इनको जोड़ देंगे, ई इसमें जुड़ जाएगा धातु के अंतिम वर्ण में, पठिष्यन्ति, ये बन गया। ये तो प्रथम पुरुष का एकवचन द्विवचन बहुवचन बन गया। ये मध्यम का बनेगा पठिष्यसि, पठिष्यत है और पठिष्यत, ये मध्यम का बन गया। उत्तम का बनेगा पठिष्यामी, पठिष्यावह और पठिष्यामह, ये उत्तम का बन गया। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि इनमें ये प्रत्यय हो गए, और इन प्रत्ययों को धातुओं में जब जोड़ा जाता है तो धातुओं में जोड़े जाने के बाद में जो मैटर बनता है, धातु रूप बनते हैं, वो इस प्रकार से बनते हैं।
ये प्रथम पुरुष की हो गई, ये मध्यम की हो गई और ये उत्तम की हो गई। इसी प्रकार से अन्य धातु के बनाए जाते हैं, जैसे गम का बना दिया, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्यामि, हंस के बना दिया, किरट के बना दिया, लिख के बना दिया, धाव के बना दिया। इस प्रकार से जो ये धातु रूप बनाए जाते हैं वो आप भी बना सकते हैं। आप बनाएं दो तीन धातुओं के रूप, आप बनाएं, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप भी बनाएं, बड़ा बड़ा करके देखें। इन धातुओं में धातु रूप बनाने, प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप बनाए जाते हैं। धातु रूप जब भी बनता है, जब प्रत्यय अच्छी तरह जुड़ता है, आप इन धातुओं बनाओ, धातु रूप बनाओ, धातु रूप बनाओ। जैसे गम है, गम के बनाओ, गम मानी जानना, इसके बनाने हैं आपको गम के। लिख है, लिख का मतलब होता है लिखना, इसके धातु रूप बनाने हैं आपको। धाव है, धाव यानी दौड़ना, इसके धातु रूप आपको बनाने हैं। पिब है, पिब पीना, इनके धातु रूप। इत्यादि इत्यादि धातुओं के धातु रूप बनाओ आप, धातुओं के धातु रूप बनाओ, इत्यादि धातुओं के धातु रूप बनाओ। जैसे मैं एक वाक्य देता हूँ, जैसे वाक्य से संस्कृत बनाते हैं, जैसे मैं, ये वाक्य है एग्जाम्पल के तौर पर है वाक्य, ये मैं हंसूंगा, ये वाक्य आ गया, मैं हंसूंगा। पहले पहले ये देखें कौन से लकार का वाक्य है, गाया, तो गा इसी लकार का वाक्य, इसी लकार की पहचान है गा, गा गेगी, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गेगी आते हैं, तो इसी लकार में आते हैं। तो अब इसमें देखो कर्ता मैं, उत्तम पुरुष एकवचन है तो इसका क्या बनेगा, अहम, सर्वनाम शब्द है अहम। हंसूंगा, हंसने की धातु हंस, हंसने की धातु हंस है, तो हंस में क्या जोड़ देंगे, उत्तम पुरुष जब कर्ता एकवचन है, उत्तम पुरुष एकवचन, तो उत्तम पुरुष एकवचन का प्रत्यय ईश्यामि, तो इसमें क्या हो जाएगा, है शिष्यामि, मैं हंसूंगा। जैसे कुत्ता दौड़ेगा, ये वाक्य आ गया, तो कुत्ता नाम आ गया, नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आता है, कुत्ता है जो, कुकुर है, धा मिश्रति जोड़ेंगे, धा वी शैति दौड़ेगा। इस प्रकार से आप वाक्य से, हिंदी वाक्य से संस्कृति बना सकते हैं, और धातु रूप बनाने के लिए धातुओं में आप अच्छी तरह प्रत्यय जोड़ दें। कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का है, क्रिया का रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा, बशर्ते लकार के अनुसार, आप लकार के अनुसार इनको जोड़ते रहें, लकार के अनुसार इनको बनाते रहें, और आप ये ध्यान देते रहें, लट लंग लिट ये तीनों लकार आपको आज समझाए गए, इनके धातु रूप बनाए गए, इनको आप अच्छी तरह याद करना है, लिखना है। आज का मैटर यही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।